राजस्थान के अंदर कांग्रेस में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, यह जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की सरकार इस वक्त राजस्थान में है, अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन यह चुनाव किस तरीके से होगा इस पर भी सबकी नजर है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कम बैक करने के मूड में है। सचिन पायलट ने इसके इशारे कर दिए, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात कांग्रेस के अंदर राजस्थान में है, गहलोत गुट और पायलट गुट को लेकर, वो भी किसी से नहीं छुपे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक के बाद एक कई बड़ी बातें कह दी हैं, आगामी चुनावों को लेकर भी और अपने और अशोक गहलोत के रिश्ते को लेकर भी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की, आज एक एक करके उन बातों को आपको बताते हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार चुनाव के बाद तय किया जाएगा। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और ये बयान उन चर्चाओं को और हवा देगा जो कि राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी राजनीतिक रस्साकशी की वजह से सालों से चर्चा में है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि उनका मुकाबला अशोक गहलोत से है ही नहीं। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत बहुत अनुभवी और बुजुर्ग नेता हैं और मेरा गहलोत साहब से कोई मुकाबला नहीं है। वो 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनसे मैं मुकाबला कहां से कर सकता हूं? उनसे प्रतिस्पर्धा का कोई सवाल ही नहीं उठता, प्रतिस्पर्धा हम उम्र में होती है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि गहलोत तो बुजुर्ग नेता है, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों को भी युवाओं को मौके देने चाहिए, इस पर सचिन पायलट ने कहा कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कई मौके दिए हैं। कांग्रेस के कई नेताओं को अशोक गहलोत आगे लेकर आए, उन्होंने मुझे भी मौका दिया, मैं कम उम्र में सांसद बन गया था, ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। हालांकि आगे और भी युवाओं को आगे लाने की जरूरत है जो कि पार्टी करेगी। वहीं जब सचिन पायलट से पूछा गया कि 2023 में वे और अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए मिलकर क्या काम करेंगे, तो उस पर सचिन पायलट ने मुस्कुराकर कहा कि ये बात कैमरे पर बताने वाली नहीं, लेकिन वे कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है, ये तब संभव है जब कांग्रेस लगातार जीते और हम सब पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा फोकस आगामी चुनावों में कांग्रेस की जीत कैसे हो इस पर है। सचिन पायलट से जब पूछा गया कि कभी कभी राजस्थान के अंदर वो विपक्ष की भूमिका निभा देते हैं, इस पर उनका कहना है कि मैं कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। पहले जब हम विपक्ष में थे, प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन आज हम सरकार में हैं और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आवाज उठाऊं। वहीं सरकार में होके बगावत वाले सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि मैंने कोई बगावत नहीं की, जो बीत गई उस बात पर ज्यादा चर्चा सही नहीं, उस वक्त कुछ बातें थी उसको लेकर मैंने आवाज उठाई बस, और कांग्रेस आलाकमान ने इसका समाधान भी निकाला। बहरहाल कांग्रेस नेता सचिन पायलट की ये बातें अब एक बार फिर से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी।